ये सब जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है माखन चुराते हुए, उनका एक दृश्य यहाँ पर बनाया गया है और उनके जो साथी थे। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल सफर विद प्रशांत पर। आज अभी हम निकल चुके हैं मनगढ़ के लिए, जो कि हमारे घर से 53 किलोमीटर दूर है और बहुत ही फेमस स्थान और एक बात कृपालु जी महाराज का जो कि जन्म स्थल है। चलेंगे आज वहीं पर और देखेंगे एक धार्मिक स्थल और एक पिकनिक स्पॉट भी है। बहुत से लोग जो है वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं और बहुत से कॉलेज जो हैं वो अपना अपने कॉलेज के बच्चों को वहाँ पर लिवा जाते हैं दिखाने के लिए। तो निकल रहे हैं अभी हम वहीं पर, हम कभी यहाँ पर पहले आए नहीं हैं और कभी यहाँ देखा नहीं है क्या है कैसा है, तो चलेंगे। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा एक अलग स्थान पर, एक अलग प्लेस पर, तो आप सभी को देखने को मिलेगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपने पहले कभी यहाँ पर अगर आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम यहाँ पर पहले आ चुके हैं और आपने यहाँ पर क्या खास देखा है, और आज के इस वीडियो में जो हम दिखाने वाले हैं क्या आपने इससे पहले वहाँ पर देखा है या नहीं देखा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। तो अभी जस्ट हमारे सामने जो है मनगढ़ धाम जाने का ये जो रास्ता है सीधा यहीं से होकर जाता है, तो आप सब देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से यह रास्ता मंगल धाम की ओर जाएगा। तो चलिए रास्ते का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्लोगन लिखा हुआ है, पेड़ नहीं तो पृथ्वी नहीं। आई एम इम्प्रेस, गुड। हमें यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था कि हम यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं था यहाँ की जो टाइमिंग है यहाँ के इस मंदिर की खुलने की, तो यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है प्रातः 8:30 से 11 बजे तक और दोपहर में 1 से रात्रि 8 बजे तक यहाँ पर ये इसका खुलने का टाइम है। तो हमें यहाँ पता नहीं था कि यहाँ पर ये भी, और आरती का जो समय यहाँ 4:30 बजे का, तो अभी हम यहाँ पर 1 घंटे पहले पहुँच चुके हैं और जो है अब यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। अभी तो 12 बज रहे हैं, 12 बजने के बाद 1 घंटे यहाँ पर हमें इंतज़ार करना होगा। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं यही मेन गेट है जिससे हम अंदर चलेंगे, तो अब 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद मिलेंगे अंदर चलकर। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, कितनी तेज़ी से यहाँ पर भीड़ लग रही है अंदर जाने के लिए। श्रद्धालुओं का गेट अभी बस 7 या 6 मिनट में खुलने वाला है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आ गए हैं यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों गेट खुल चुका है, बिना मास्क के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अंदर फोटो लेना मना है, तो देखते हैं अगर मना होगा तो फिर खैर कोई बात नहीं तो अंदर चलेंगे देख लेंगे। तो ये गेट है, गेट के अंदर चलते हैं। सर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर कहते हैं फोटो लेना मना है, लेकिन बहुत से लोग खींच रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम भी शूट कर लें यहाँ से। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। भक्ति धाम मंदिर में सबसे पहले आप एंट्री करते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर महाभारत को दर्शाया गया है कि जब कृष्ण भगवान जो है अर्जुन का रथ हाँक रहे थे और कुछ उद्देश्य दे रहे थे, उस चित्र को यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। बस हमारे जस्ट सामने भक्ति मंदिर दिखाई देने लगी है, तो चलिए आपको भी पहला व्यू दिखाते हैं यहाँ से कैसा आपको देखने को लगेगा। तो यहाँ से पहला व्यू जो हमें दिखा वही हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का ये मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए
वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बैटरी रिसेंटली चेंज की है और चेंज करने के बाद अब आपसे दोबारा वो हफ्ता हुआ है हमारा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर व्यूज है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे यहाँ पर बनाया गया है कृपालु जी महाराज का ये मंदिर। बेसिकली जो है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसे इतिहास के बारे में, ये कब बनाई गई थी और किसके कौन इसका निर्माण करता था, उन सभी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे एक बेहतरीन प्लेस के साथ। तरीके का हमें व्यूज देखने को मिलेगा जब हम परिसर के अंदर प्रवेश कर रहे होंगे। तो सामने व्हाइट मंदिर, तो जैसा आपने अभी एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपने देखा होगा और यहाँ पर जूता चप्पल उतारने का स्थान है, तो चलिए यहीं पर स्लीपर उतार देते हैं, उसके बाद आगे चलकर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत व्यूज दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक बैग मिलता है आपको जूता चप्पल उतारने के लिए और इसी में एक टोकन भी रहेगा जो आप अपने पास रख सकते हैं। आप यहाँ पर सेकेंड टाइम आएंगे लेने के, तो ये आपको टोकन यहाँ पर दिखाना होगा। चलिए हम भी यहाँ पर अपना रख देते हैं, उसके बाद मिलेंगे आगे। तो यहाँ पर हमने अपने शूज और अपने स्लीपर को यहाँ पर हमने जमा कर दिया है, तो अब चलते हैं आगे और देखिए यहाँ पर कुछ खूबसूरत नज़ारा। ये जो आप इधर सामने व्हाइट कलर की जो मंदिर देख रहे हैं, ये बेसिकली अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं बने, हम तो यहाँ पर पहली बार विजिट किए थे, लेकिन इसके पहले बहुत से व्लॉग जो हमने यहाँ पर देखे थे तो कई सभी लोग बता रहे थे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये बन रहा था। तो जो पुरानी मंदिर है हमारी, पुरानी मंदिर वहाँ पर थी और नई मंदिर अभी जो बनी है ये यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी हुई है यहाँ पर। अभी चल कर अगर मंदिर में प्रवेश करने का परमिशन मिलेगा तो आपको वहाँ की नक्काशी दिखाएंगे, इतनी ज़बरदस्त नक्काशी है कहने की बात नहीं। जैसे ही गेट पे आप प्रवेश करेंगे यहाँ पर हाथी बनी हुई है, तो एक हाथी इधर बनी हुई है और एक साइड बनी हुई है और ये बहुत ही, ये यहाँ पर ये सामने का गेट था, इसके पहले जो गेट था ये बंद था, अंदर जाने परमिशन नहीं थी, लेकिन अभी ये गेट खुल चुका है, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ है। तो अंदर चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ा यहाँ पर एक सिनेमेटिक वीडियो शूट कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है जितने भी गोकुल के समय के जितने भी दृश्य थे गोपियों के साथ या बांसुरी बजाना उनका, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। तो अभी दोस्तों जो आप देख रहे हैं पीछे साइड पूरा यही नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और आपको अब कुछ इस साइड चलकर हम आपको दिखाते हैं कुछ नया। अभी दोस्तों हम उस साइड से निकलते हुए और ये सेकेंड साइड में आए हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। भक्ति भवन आगे पीछे हमारे साइड बना हुआ है, सदगुरु कृपालु जी महाराज वहाँ उनका नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ से कुछ इस तरीके का तो कुछ व्यूज है यहाँ पर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो ये सब जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है माखन चुराते हुए उनका एक दृश्य यहाँ पर बनाया गया है और उनके जो साथ वो सभी लोग यहाँ पर जो है मक्खन वो खा रहे हैं और कृष्ण भगवान ऊपर मटकी से माखन चुराते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर इस साइड जो गोपियों के समय उस समय जब कृष्ण भगवान जो है वहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन गोकुल के ही कुछ दृश्य यहाँ पर हमें समझ में आ रहे हैं कि गोकुल के कुछ दृश्य है जो यहाँ पर दर्शाया गया है कृष्ण भगवान से रिलेटेड। चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों, अंदर देखते हैं
क्या है, अगर अलाउ होगा तो चलेंगे अंदर, आपको भी दिखाएंगे। आइए अंदर चलते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो पीछे हमारी मंदिर थी इसमें फोटो और कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पे। अब किस लिए अलाउ नहीं था वो कोई नहीं जानता। तो अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यूज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ बांसुरी बजाते, बांसुरी लिए हाथ में खड़े हुए हैं और कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी गलती की वजह से माँ यशोदा जो है उनको डांट रही है और इस तरीके का चित्र यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर भाई साहब मिले हैं जो हमारे सब्सक्राइबर थे, तो आप अपना नाम बताएंगे? निखिल मौर्य। निखिल मौर्य, इनका नाम निखिल मौर्य है। और भाई आप सबको? मोहित मौर्य। मोहित मौर्य, और आपको? अमित प्रजापति। अमित प्रजापति, आप क्या बता रहे हैं? आकाश प्रजापति। तो ये चार लोग थे यहाँ पर आए थे, वो मिल गए यहाँ पर। आपने जैसा कभी वहाँ पर हमने आपको दिखाया था यहाँ पर राधा और कृष्ण बांसुरी बजाते हुए और गोपियों के साथ कुछ नृत्य कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया। तो अभी यहाँ हम अपना वीडियो शूट कर रहे थे दोस्तों, तो भाई साहब मिले हैं और ये सब्सक्राइबर भी हैं हमारे। तो क्या नाम है भैया साहब? सुनील कुमार यादव। आपको भैया? सुनील कुमार। और का? अभिषेक केसरवानी। अभिषेक केसरवानी। आप सब कहाँ से हैं? कुंडा से हैं। कुंडा से ये सभी लोग यहीं पास से ही हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिले एक नए ब्लॉग में एक नए प्लेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।